की जिंदगियां कोरोना की चपेट में आने से खत्म हो गई है, वहीं पर लोगों के मानसिक संतुलन पर भी इस दौरान गहरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि आज करनाल में विकास गौड नामक वकील द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। विकास गौड के परिजनों ने बताया कि विकास काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था, क्योंकि कोरोना काल के बाद उसका काम लगभग खत्म हो चुका था। विकास कोर्ट में वकालत करता था और काफी समय से करनाल के आरकेपुरम में रह रहा था। परिजनों ने बताया कि विकास का पहले भी डिप्रेशन के चलते परिजनों द्वारा समझाया बुझाया गया कि यह दौर भी गुजर जाएगा, परंतु गत रात्रि विकास द्वारा आत्महत्या कर ली गई। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर शव को पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। यहां हम आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे और लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। खैर कुछ भी हो, डिप्रेशन में विकास गौड नामक वकील की आत्महत्या करना बड़ा ही सनसनी फैलाने वाला मामला है। वहीं पुलिस ने विकास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लड़ाई झगड़ा कोनी, काम को लेकर वो था, क्योंकि ना तो वकालत का कि मैं काम था, ना कोई मैं और था, बस कोरोना के मैं मालिक बस उसका। आपको कैसे जानकारी मिली? हमने तो भिवानी टेलीफोन गया था। आप भिवानी के रहने वाले? मैं भिवानी का, वो परिवार यहीं रहता है। हाँ, वो परिवार है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल उनके चाचा मामला तो के हाँ, जब से कोरोना थी जब से है मानसिक परेशानी थी जी। अच्छा। काम नहीं था जी, और तो कोई परेशानी नहीं थी, घर में इकलौता लड़का था जी, और किसी चीज की कमी नहीं थी जी। बस उसका तो यह था कि भाई मेरी तो कमाई खत्म होगी कोरोना। कहाँ के रहने वाले थे? वो भिवानी के जी। भिवानी तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे? यहाँ प्रैक्टिस करते, यहाँ स्थायी तौर पर रहने भी लग गए थे जी। अच्छा। क्योंकि उनके फादर यहाँ एडीए भी रह चुके, डीए भी रह चुके। क्या नाम है इनका? महेश गौड़ का। विकास गौड़? विकास गौड़ तो लड़के का जिसने सुसाइड किया। आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनके चाचा हूँ। शादी शुदा थे? हाँ, शादी शुदा थे, एक बिटिया है, बच्चे हैं। बच्चे तो मतलब ये बताया ना, कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा उन्होंने? नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। परिवार से कभी इस तरीके से कोई बात की? नहीं, कोई बात कौन थी जी, कोई परिवार की तो यहाँ एक ही हमारा एक ही बड़ा भाई था जी, यही घर में ही फांसी लगाई है। घर में ही फांसी लगाई। कितने महीनों से इस तरीके से तनाव में चल रहे थे? जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से जी। तो तब से फ्री थे, काम काज नहीं था? नहीं, काम काज नहीं था। काम ना होने का डिप्रेशन में। क्या नाम आपका? देख सकते मेरा है, नाम भारद्वाज होने की। सर ये क्या मामला है, क्या वकील ने क्यों सुसाइड किया? ये कोई इसका मेंटल डिस्टर्ब था। ये क्या कह ये भाई? अपने पिताजी से कहता था अभी मैं काम नहीं कोई नहीं, तो घर में और कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। इसके पिताजी भी एडवोकेट हैं करनाल कोर्ट में, तो ये भी वकील है, ये भी प्रैक्टिस करते थे। तो कोई डिप्रेशन? हाँ, बस दिमाग की परेशानी था। कहाँ के रहने वाले हैं ये? आरकेपुरम, करनाल में। करनाल के आरकेपुरम में। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई कर दी। हाँ जी, क्या बता रहे डिप्रेशन वगैरह? बस वो डिप्रेशन ही बता रहे, काम कम। हाँ, कल ये अपनी ड्यूटी भी नहीं गया। कितने बजे घटना है ये? कोई 1-1.5 बजे की घटना। दिन घर पर ही? घर पर। आपका शुभ नाम? दयाल सिंह। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।